ऑलराइट, आज के वीडियो में हम लोग Redmi 13C इस वाले फोन के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। कुछ नहीं, लॉट्स ऑफ हिडन फीचर्स आते हैं इस वाले स्मार्टफोन के अंदर। ये जो फीचर्स है ये जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ अगर आपके पास Redmi या फिर Poco या फिर Xiaomi की कोई भी डिवाइसेज है तो आपको ऑलमोस्ट सारी डिवाइस के अंदर ये जो हिडन फीचर्स है वो देखने को मिल जाते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिवाइसेज अवेलेबल है। पहला जो फीचर है इस फोन के अंदर वो है कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर। अब बहुत ऐसे फोन्स आते हैं जिनके अंदर आपको कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलते हैं और गूगल डायरल वगैरह मिल जाते हैं, उसमें कॉल रिकॉर्ड नहीं होता। बट इस वाले पर्टिकुलर फोन के अंदर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। डायलर वाले ऑप्शन पे चले जाना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है, उसके बाद यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आओगे, कॉल रिकॉर्डिंग जो है उसका नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए एंड रिकॉर्ड कॉल्स ऑटोमेटिकली इसको आपको ऑन कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको सिलेक्टेड नंबर्स पे चाहिए तो आप यहाँ पे सिलेक्टेड नंबर्स पे क्लिक करके कोई भी लिस्ट वगैरह कस्टम लिस्ट बना सकते हो अपने हिसाब से। नहीं तो अगर आपको ऑल नंबर पे कॉल रिकॉर्ड करना है तो बिना अनाउंसमेंट के आप कॉल रिकॉर्ड कर पाओगे। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एप्लीकेशन को ना प्राइवेट रखना चाहते हैं, मतलब कि यार ये वाला जो गैलरी है, गैलरी को भाई हम लोग प्राइवेट रखना चाहते हैं ताकि ये जितने भी फोटोज आपको दिख रहे हैं ये सब यार कोई एक्सेस ना कर पाए। तो इसके लिए यहाँ पे आपको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। इस वाले फोन के अंदर बताओ या फिर Redmi के कोई भी फोन के अंदर आपको सिंपली क्या करना है, सेटिंग के अंदर चले जाना है। सेटिंग के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको एप्स ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एप्स ऑप्शन में चलोगे तो यहाँ पे ऐप लॉक का ऑप्शन मिलता है। ऐप लॉक में टैप करोगे तो यहाँ पे टर्न ऑन करके आप यहाँ पे अपना जितना भी यहाँ पे एप्स है उनमें लॉक लगा सकते हो। आपको बस ये पैटर्न सेव कर देना है, तब आपके सारे ऐप्स के अंदर आप कस्टमाइज करके ऐप को लॉक कर सकते हो और वही पैटर्न आपको इस्तेमाल करना है। आप कोई भी ऐप पे लगा सकते हो, सेटिंग में हो, गेम मोड में हो, फाइल मैनेजर पे हो या फिर गैलरी में हो, हर जगह ऐप लॉक लग जाएगा। आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का जरूरत नहीं है। ऐसे में बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं, मतलब भाई दिखाना नहीं चाहते हैं मेरे पास नेटफ्लिक्स है, मैं भाई दूसरे स्मार्टफोन्स के ऐप्स इस्तेमाल करता हूँ, लाइक यहाँ से भी कोई भी ऐप आप छुपाना चाहते हो, तो भाई वो इजी काम है। आपको कोई थर्ड पार्टी का जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, ऊपर में सिक्योरिटी दिख रहा है, फोन में सिक्योरिटी के अंदर जाओ एंड यहाँ पे आपको नीचे के साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको हिडन ऐप्स देखने को मिलेगा, इसके टैप करो। मानो मैं अमेज़न को छुपाना चाहता हूँ, इसमें एक बस एक बार टैप कर देना है। आपको टैप कर दिया मैंने, फिर अभी जाके अमेज़न ढूंढो मेरे मोबाइल पे आपको मिलेगा ही नहीं। बहुत ही बढ़िया चीज है जिसके लिए बहुत लोग थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करके उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको फ्री में ही मिल जाता है। अब बात हो रही प्राइवेसी की, तो और भी एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, गैलरी में फोटो वीडियो यार बहुत प्राइवेट रखना चाहते हैं, सारे फोटोज ना दिखाना नहीं है किसी को, हमें प्राइवेट रखना है। प्राइवेट रखने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अपने फोन के अंदर आपको फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट मिल रहा होगा, टैप करो। करने के बाद प्राइवेट फाइल दिख रहा है, इसमें टैप करो। देन यहाँ पे सेट करो अपना पासवर्ड एंड अपने फोटोज वीडियोस प्राइवेट फाइल के अंदर शेयर कर सकते हो इजीली। इसको ऑन करने के बाद कोई भी अगर एक्सेस करने जाएगा तब उसको वो वाला पैटर्न मारना पड़ेगा जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। इस फोन के अंदर कॉल आने पे बहुत कम वाइब्रेट होता है, साउंड तो सुनाई देता है बट कॉल आते टाइम जो वाइब्रेशन है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से पॉकेट में अधिकतर टाइम पे हमें पता नहीं चलता है कि भाई फोन आया है। के लिए सिंपली सेटिंग पे जाओ, वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हो। जी हाँ, आप बढ़ा सकते हो। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर जाओगे, जो हैप्टिक फीडबैक है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, नीचे में चला जाना है एंड वाइब्रेट ऑन टैप, इसमें टैप करना है। अभी आप देख सकते हो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग कर देना है। देन आपको जो हैप्टिक फीडबैक और जो वाइब्रेशन मिलेगा वो यार नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। अब आपको कुछ मजेदार चीज दिखाते हैं। इस फोन के अंदर बहुत सारे खास खास फीचर छुपे हुए, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको एडिशनल सेटिंग्स के अंदर चले जाना है, नीचे में मिल जाएगा, इसमें आपको सिंपली टैप करना है। देन यहाँ पे आपको जेस्चर शॉर्टकट में चले जाना है। अब ये जो जेस्चर शॉर्टकट है यहाँ पे ही बहुत सारी चीजें मिलते हैं। देखो, फिंगरप्रिंट डबल टैप करोगे, सबसे पहले नीचे से शुरुआत करते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर जो है यहाँ पे साइड में मिलता है, तो इसको अगर आप डबल टैप करोगे तो यहाँ पे नन है, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐप लगा सकते हो, कैमरा लॉन्च कर सकते हो, कैलकुलेटर ला सकते हो, साइलेंट मोड में डाल सकते हो, जैसे कि भाई अलर्ट स्लाइडर काम करता है वन प्लस या फिर आईफोन्स में जैसे कि देखते हो, एंड कोई भी गेट इश्यू रिलेटेड लॉग्स आप यहाँ पे लगा सकते हो एंड गूगल असिस्टेंट लॉन्च कर सकते हो। सिंपली मैं कैलकुलेटर डाल देता हूँ। अब देखो, फिंगरप्रिंट सेंसर पे ऐसे दो बार टैप करते हैं तो देखो मेरा कैलकुलेटर ऑन हो जाता है। कुछ भी सेट कर सकते हो यहाँ पे, अपने हिसाब से मिल जाता है सब कुछ। देखो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो। फ्लैश लाइट कैसे ऑन होगा, आपको सिंपली यहाँ पे टच करना है, ये देखो फ्लैश जल रहा है पीछे में, ये लाइट दिखाई दे रहा है। कंट्रोल सेंटर ला सकते हो, देखो यहाँ पे आप सिंपली डबल टच करोगे ऐसे, देखो
सिंपली आपको ऐसे डबल टच करना है और कंट्रोल सेंटर आ जाता है ऊपर से, ठीक है। तो ये भी एक बहुत खास फीचर है। अब यहाँ पे लॉट्स ऑफ आपको चीजें मिल जाते हैं। गूगल असिस्टेंट ऐसे आपको प्रेस करके रखना है 5 सेकंड के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर पे, तो आप यहाँ पे गूगल असिस्टेंट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको सिंपली 3 फिंगर एंड वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन दबा के रखना है, उसके लिए फिंगरप्रिंट आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये गेस्चर मोड जो है बहुत अच्छे है। कैमरा लॉन्च करने के लिए आपको डबल प्रेस करने का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपको कैमरा चाहिए तो आप इनको ऑन कर सकते हो। एंड यहाँ पे डबल प्रेस वॉल्यूम बटन डाउन साइड में अगर दबाओगे तो स्क्रीन लॉक हो जाएगा। ऐसे बहुत होता है हमारे साथ जब भी हम फोन इस्तेमाल करते हैं, 1 साल बीतने के बाद भाई फोन हैंग करने लगता है, लैग करने लगता है, तो भाई आप अपने फोन के रैम को बढ़ा सकते हो। जी हाँ, यहाँ पर ये काम होता है। सिंपली सेटिंग के अंदर चले जाना है, एडिशनल सेटिंग के अंदर चले जाना है, देन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मेमोरी एक्सटेंशन। इसमें टैप करोगे तो देख सकते हो मेमोरी एक्सटेंशन जो है अप टू 2 GB है, मैं इसको 4 GB कर देता हूँ, ठीक है। फोन को बस एक बार रिबूट कर लेना, उसके बाद अपना फोन जो है 4 GB और बढ़ जाएगा। ये मेरे पास 4 GB 128 GB है, ये 8 GB 128 GB हो जाएगा। ये वर्चुअल रैम है, काम का है, आप इसको जरूर एक बार इस्तेमाल करना, बट हाँ रिबूट ऑब्वियसली कर लेना ये वाला रिबूट ऑप्शन दबा के। एक बहुत मजेदार चीज मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एप्स तो बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, बट आपको यार हाइड एप्स जो है वो जो पहले मैंने आपको दिखा रहा था वो आपको चाहिए। कहीं से भी आपको 2 हाथ ऐसे लेना है, ऐसे पिंच कर देना है। हिडन एप्स जो है वो आ चुका है यहाँ पे। हिडन एप्स की जो नोटिफिकेशन है उनको आप हाइड कर सकते हो अपने हिसाब से। ऐप लॉक ऑन करना है, हाइड नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाएंगे हिडन एप्स के, आप यहाँ से गेस्चर वगैरह भी सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप और ऐड करना चाहते हो तो ये वही जगह पे लेके जाता है जहां पे मैंने ऐप को हाइड किया था। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, गेस्चर मोड बहुत ज्यादा काम करता है। आपको सिंपली ऐसे पिंच कर देना है और देख सकते हो हिडन एप्स जो है वो खुल जाता है। अब बहुत सारे लोग मुझे ये चीज बोलते हैं कि भाई हमारे फोन में साउंड नहीं आता है, भाई स्पीकर को थोड़ा लाउड कर दो, कोई फोन करता है तब यार सुनाई दे अच्छी तरीके से। सिंपली आपको जाना है कॉल ऐप के अंदर और यहाँ पे आपको सेटिंग में चले जाना है। देन यहाँ पे इनकमिंग कॉल सेटिंग्स देखने को मिलेगा, इसमें टैप करो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। फ्लिप टू रिंगर ऑप्शन मिलेगा, क्वाइट रिंगर व्हेन लिफ्टेड मिलेगा, इनको ऑन ऑफ कर सकते हो। आप यहाँ पे ऑन करोगे तो फोन को ऐसे घुमाओगे तो वो भाई मोड में साइलेंट में चला जाएगा, ऐसे सीधा करोगे तो फिर यार बजने लगेगा। तो ये सब ऑप्शन है, बट जो स्पीकर का साउंड उसको बढ़ाने के लिए ये वाला ऑप्शन आपको जरूर ऑन करना है। इंक्रीज रिंगटोन वॉल्यूम, जब भी कोई कॉल करता है तो वॉल्यूम जो है वो डबल सुनाई देगा। और एक बहुत ही मजेदार चीज मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, टैप करते हैं और सोचते हैं कि अपने फोन के अंदर कुछ ही यार वॉलपेपर्स है। ऐसा नहीं है, आपको सिंपली टैप करके रखना है एंड देन यहाँ पे चले आना है इस वाले ऑप्शन के अंदर। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, आपको सिंपली कोई भी खाली जगह पे टैप करना है, ठीक है। यहाँ पे फोन में कोई भी खाली जगह, मानिए यहाँ पे मुझे खाली जगह देखने को मिल रहा है तो मैं यहाँ पे टैप करके रखता हूँ। तो यहाँ पे देखो 2-3 ऑप्शन आते हैं आपके सामने, कुछ विजेट्स है, कुछ सेटिंग्स है और यहाँ पे गैलरी ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें टैप कर लेना। देन यहाँ पे देखो लॉट्स ऑफ आपको कैटेगरीज मिल जाएंगे, थीम्स मिल जाएंगे, फीचर वॉलपेपर्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। आप इन सारे वॉलपेपर्स को ले सकते हो अपने हिसाब से। वॉलपेपर्स पे आओगे तो देखो बहुत सारे तरीके के वॉलपेपर्स यहाँ पे आपको Xiaomi की तरफ से देखने को मिल जाते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, कैटेगराइज करके आपको वॉलपेपर्स वगैरह कलेक्ट कर लेना है, डाउनलोड करके फिर आप लगा सकते हो। माई अकाउंट में चलोगे तो यहाँ पे मिलता है अपना खुद का वॉलपेपर। थीम्स पे चलोगे तो अपना थीम्स मिल जाएगा, यहाँ पे आपको आईफोन के थीम्स वगैरह मिल जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 2 ही मिलते हैं, तो आपको थीम्स वगैरह परचेज तो नहीं करना है, डाउनलोड कर लेना है वहां पे जाके, बैक में जाके, ठीक है। यहाँ पे होम पे चले जाना, देन यहाँ पे आप फ्रॉन्ट्स चेंज कर सकते हो। ये रोबोटो फ्रंट पे ही चल रहा है, एक ही फ्रंट है, पर फ्रंट भी आप ले सकते हो अपने इस वाले एप्लीकेशन के अंदर आके। थीम को कस्टमाइज कर सकते हो, लॉक स्टाइल को चेंज कर सकते हो। ये देखो लॉक स्टाइल ये देखने को मिलता है। रिंगटोन्स जो है यहाँ से आप अपने रिंगटोन्स को अप्लाई कर सकते हो। डिफॉल्ट रिंगटोन जो है वो अभी अप्लाई होकर रखा है, तो यहाँ पे ही एक जगह पे सब कुछ देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ जो मेन फीचर है वॉलपेपर, यहाँ पे आओगे तो आपको लॉट्स ऑफ वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे। देखो ये MIUI के वॉलपेपर्स है और एक एक वॉलपेपर दिखने में लाजवाब है भाई, बहुत बढ़िया वॉलपेपर है। क्वालिटी देखोगे ना दिमाग खराब हो जाएगा। देखो बहुत अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स लगा के रखे हैं। और अगर आपको चाहिए ये वाले वॉलपेपर, सिंपली आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। देखो ये वाला वॉलपेपर मैं सिलेक्ट करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। देन होम स्क्रीन जहां पे भी आप चाहो, मैं होम स्क्रीन पे कर लेता हूँ, तो ये वाला वॉलपेपर सेट हो जाता है होम स्क्रीन के अंदर। मैं बैक में चला जाता हूँ, एक बार थोड़ा सा लोड लेता है। अब देखो वॉलपेपर जो है हमारा वो अप्लाई हो गया, तो बढ़िया तरीके से अपना वॉलपेपर एडजस्ट हो जाता है ऐसे ही। और आपको बहुत सारे वॉलपेपर मिलेंगे, अपने खुद के फोटोज भी आप सेव कर सकते हो। अब 2-3 चीजें तो मैं यहाँ से ही दिखा देता हूँ जो कि बहुत ही काम का चीज है और ये हिडन फीचर्स है। आपको टैप करके रखना है, सेटिंग में चले जाना है, यहाँ पे आप इफेक्ट्स को सेट कर सकते हो। अब देखो इफेक्ट्स कौन सा चीज होता है एक बार दिखा देता हूँ। ये जो मैं इफेक्ट ये यूज कर रहा हूँ ना, ये ऐसे ऐसे दिखा रहा है, ये मजा नहीं आ रहा है यार। इसको मजा लाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे टैप करके रखना है, देन यहाँ पे आपको सेटिंग में चले जाना है। इसके बाद आपको ट्रांजिशन इफेक्ट में चले जाना है, अपने हिसाब से चूज करो। देखो ये कुछ ऐसा है, ऐसा गोल गोल कर सकते हो, ये कुछ कर सकते हो, तो मैं इसको ही सेट कर लेता हूँ। अभी मैं सिंपली बैक में चला जाता हूँ और अभी देखो मेरा जो इफेक्ट है वो टोटली चेंज हो चुका है और दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। एक चीज तो बहुत चिड़चिड़ा चीज होता है, मतलब मैं ये वाला बटन दबाता हूँ तो फिर से यही पेज आ जाता है, बट मुझे रखना है ये वाला पेज या फिर मैं कुछ और एक पेज रखना चाहता हूँ। मानो मैं यहाँ से इस ऐप को ले जाता हूँ, इस साइड में और एक पेज बना लेता हूँ और ये मुझे मेन रखना है, इसको साफ सुथरा रखना है, ये दोनों इस साइड में रहे। बट मैं जब भी ये बटन दबाता हूँ तो
तो भाई फिर से वही पेज चला आता है, मुझे रखना है ये वाला पेज। तो इसको रखने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इसको वैसे ही टैप करके रखना है, सिंपल वही पे चले जाना है, देन सेट डिफॉल्ट स्क्रीन पे जाना है और इसको डिफॉल्ट स्क्रीन कर देना है। अब बैक में जाओ, एक बार दबाओ भाई, नहीं जाएगा, देखो यही वाला स्क्रीन। अब आप यहाँ पे कुछ भी लगाओ यार, यहाँ पे टैप करके रखो, आपको विजेट्स देखने को मिलेंगे, अपने हिसाब से आप सजाओ जो भी आपको यहाँ पे लगाना है, कैलकुलेटर रख सकते हो, वेदर रख सकते हो। बहुत लोगों को एक चीज ये खराब लगता है कि फोन खरीदने के बाद यार हम ऐप ड्रॉयर जो इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसा है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, थोड़ा सा अलग चाहिए, नीचे से खींचने पे कुछ नहीं आता है, तो भाई हमें वैसा टाइप का चाहिए। तो वैसा भी आप कर सकते हो, सिंपली खाली जगह पे ऐसे टैप करके रखो, आपको सिंपली सेटिंग में चले जाना है, देन नीचे में आपको मोड दिख रहा होगा, मोड पे चले जाओ, होम स्क्रीन के अंदर आओगे तो होम स्क्रीन के अंदर टैप करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। एक तो है अपना लिफ्ट मोड, लिफ्ट मोड इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा सा बड़े साइज का ऐप देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ लिफ्ट मोड कैसा होता है। देखो लिफ्ट मोड जो है ये ऐसे टाइप का है और आपको बड़े बड़े साइज के एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। ये देखो बड़े बड़े साइज के एप्लीकेशन अगर आपको चाहिए आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे सब कुछ ऐड कर सकते हो। और अभी जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ये वाला था, बट मिडिल वाला आप यूज कर सकते हो, ये बहुत काम का चीज है। इसमें ऐप सजेशन, बैकग्राउंड में आप यहाँ पे डार्क मोड, लाइट मोड वगैरह सेट कर सकते हो, ऐप ड्रॉयर का जो ट्रांसपेरेंसी है वो कितना सा डीप रहेगा, ये सब कुछ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैं ट्रांसपेरेंसी को इतना तक रखता हूँ, ठीक है, इसको डार्क नहीं करते, इसको ऑटो कर देते हैं, देन अप्लाई कर देते हैं। अभी देखो जो टोटली चीज है वो चेंज होने वाला है। अब अपना ऐप ड्रॉयर कुछ दिखने में ऐसे टाइप का हो चुका है, देखो, और नीचे से ऐसे खींचोगे आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो सब कुछ। देखो किसी को अगर बहुत जल्दी कोई फोटो भेजना है और आपको वो फोटो मालूम है कि वो एक सेल्फी था, तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। एल्बम पे चले जाओ, गैलरी के अंदर आने के बाद एल्बम पे चले जाओ, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेल्फी वाला ऑप्शन। सेल्फी में जाओगे तो सारे सेल्फीज ही आएंगे, दूसरे कोई फोटोज यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। कुछ फीचर्स है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो सेटिंग के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन अंदर चलोगे तो यहाँ पे आपको तीन तरीके के नोटिफिकेशन मिलेंगे। बैजेस मिलेगा नोटिफिकेशन आने के बाद, तो आप इसको ऑन कर सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन पे सेट कर देना तो थोड़ा सा लाल टाइप का डॉट मिलेगा। यहाँ पे कनेक्शन स्पीड देखने को मिलेगा, देखो नेटवर्क हम लोग सब यूज करते हैं बट वो कितने एमबीपीएस पे चल रहा है, कितना स्पीड दे रहा है वो पता नहीं चलता। इसके लिए आपको सिंपली इसको ऑन कर देना है, देखो यहाँ पे जो स्पीड है वो शो कर रहा है। तो यही थे दोस्तों कुछ फीचर्स जो कि इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलता है। ऑल्सो रेडमी एमआई और शाओमी के कोई भी फोन के अंदर ये फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। इन फीचर्स के रिलेटेड तो आप कॉमेंट करके मुझे बता सकते हो। वैसे इस फोन का अनबॉक्सिंग वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक मिल रहा होगा, जाके देख लेना। 10,000 के अंदर बहुत ही सस्ता 5G स्मार्टफोन है और बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी लेकर आता है, और इसके अंदर आपको Dimensity 6100 प्लस चिपसेट देखने को मिलता है जो कि 5G चिपसेट है। जरूर इसको चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।